दोस्त आज केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिए। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेस करता है, मतलब किसी को हटा करके उसके जगह पे आ जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें क्या हो गया कि जो ताकतवर होगा कमजोर को हटाएगा, है ना। ये दुनिया का तो नियम है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है, जो ताकतवर है कमजोर को हटा देता है। उसी तरह का रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से हटा देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव स्पीसीज डिस्प्लेसेस और रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव स्पीसीज फ्रॉम देयर कंपाउंड। किसी के कंपाउंड से उसको हटा देते हैं और उसके जगह पर आ जाता है हटाने वाला, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे हम कॉपर सल्फेट है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, मतलब पानी में इसका घोल बना देंगे और इसमें जो है जिंक पाउडर डाल देंगे जो सॉलिड है, ठीक है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये तो देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं, ये कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है ना, ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। और जिंक जो होगा वो थोड़ा सा सिल्वरी व्हाइट रहता है। जिंक का कलर क्या रहता है, सिल्वरी व्हाइट। सारे केमिकल का कलर आपको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो जिंक जो है सिल्वरी व्हाइट होता है, कॉपर सल्फेट जो है लाइट ब्लू होता है। ब्लू भी लिखेंगे चलेगा, उतना लाइट नहीं होता है, डार्क ही रहता है, ठीक है। तो ब्लू कलर है, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा आपस में तो बन जाता है जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट ये भी पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको भी हम एक्वास लिखेंगे और जो है कॉपर बाहर आ गया सॉलिड। तो कॉपर क्या होता है, रेड कलर का होता है। कॉपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा और ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन। ये क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, ओके लाइट चली गई है, लेट्स वेट। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर कॉपर सल्फेट में है ये कॉपर, कॉपर सल्फेट में ये कॉपर है, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर एक्चुअली इसका करेक्ट नेम क्या है, क्यूप्रिक सल्फेट, CuSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है।
तो ये जो क्यूप्रिक सल्फेट है इसका कलर है लाइट ब्लू कलर का, ये सॉल्यूशन है। जैसे ही जिंक इससे रिएक्ट करेगा कॉपर को यहां से निकाल देगा। तो देख लो जिंक आया, कॉपर को पुश करके निकाल दिया, बाहर कर दिया। कॉपर के जगह पर ये जिंक आ गया, ZnSO4 बन गया, कॉपर हट गया और उसके जगह पर ये जिंक आ गया और कॉपर निकल के बाहर आ गया, जो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिएक्शन के कराने से पता क्या चला कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फ कॉपर से। इसीलिए जिंक जो है कॉपर को उसके अपने सॉल्ट, यहाँ कॉपर का सॉल्ट कौन है, कॉपर सल्फेट। यहाँ कॉपर का सॉल्ट कौन सा है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, इसलिए कॉपर के सॉल्ट से कॉपर को हटा दिया। कौन हटाया, जिंक। इसका मतलब ये जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज व्हाई जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया और उसके जगह पर अपने आ गया और जिंक सल्फेट बना दिया। ठीक है, इसमें भी चेंज इन कलर हो गया, लाइट ब्लू कलर था अब हमको रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है। सॉल्ट हो गया कलरलेस, पहले सॉल्ट था ब्लू, अब नया सॉल्ट बनाओ कलरलेस हो गया। पहले मेटल यहाँ था सिल्वरी व्हाइट, अब जो मेटल मिला कॉपर वो है रेडिश ब्राउन। तो सारे चीज का कलर भी याद रखना है। ये रिएक्शन हो गया। अब देखो हम उल्टा रिएक्शन करवाते हैं, ZnSO4। अब इसका रिएक्शन हम कॉपर से करवाते हैं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता तब नहीं। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को नहीं हटा पाएगा। ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तभी ना ये उसके किसी के कंपाउंड से उसको हटा सकता है। ये तो कम रिएक्टिव है इस जिंक से, इसलिए इस जिंक को कॉपर इसके कंपाउंड से नहीं हटा सकता। यहाँ पर जिंक जो है इस कंपाउंड में जो कॉपर है उससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो इसको हटा देता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोल सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, गांव में कहावत है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ मतलब वह जो बलवान है उसी का चलता है। तो यहाँ पर कॉपर बलवान है, मजबूत है, इसलिए कॉपर यहाँ पर जिंक जो कॉपर से मजबूत है बलवान है, इसलिए कॉपर को भगा दिया उसके जगह पे और उसके जगह पर अपने ही जाके बैठ गया। ठीक है, उसको बाहर कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट में जिंक खुद बलवान है और ये कॉपर जो है कमजोर है, इसलिए कॉपर इसको यहाँ से हटा नहीं पाया। मतलब क्या हो गया, कॉपर जिस जगह बैठा हुआ है जिस कुर्सी पर, उस कुर्सी पर जिंक जाके बैठ जाएगा, कॉपर को कुर्सी से उठा दिया। यहाँ पर कॉपर कमजोर है ना इस जिंक से, इसलिए ये इसको इसके कुर्सी से हटा नहीं पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। दिस प्रोसेस, दिस केमिकल प्रोसेस इज नोन एज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग अब लेते हैं कॉपर सल्फेट, जैसे हम कॉपर सल्फेट लेते हैं इसका हो गया एक्वस सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट है जिसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर होता है। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का भी कलर वही होता है सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी में व्हाइट मतलब उजला होता है, सिल्वर के जैसा उजला, पूरा उजला नहीं सिल्वर के चांदी के जैसा उजला आएगा। ठीक है, अब जो है मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट करेगा, ये मैग्नीशियम सॉलिड है, मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को भगा देगा और बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी पानी में घुलता है इसलिए एक्यू लिख देंगे, और
इधर आ गया कॉपर, बाहर निकल गया सॉलिड में, तो कॉपर तो रेडिश ब्राउन होता है और मैग्नीशियम सल्फेट जो है लगभग कलरलेस होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, पानी में जैसे डालेंगे कलर पता चलता है। तब यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम जो है लेस रिएक्टिव कॉपर को उसके अपने जगह से हटा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमको पता चल जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन अगर होता है तो जो रिप्लेस जिसको किया वो ज्यादा रिएक्टिव है ना। अभी इस दोनों को हम रिएक्शन कराएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉपर कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। इस दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। इसका मतलब क्या हो, मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम कॉपर को उसके अपने जगह से हटा दिया और हटा करके अपने उसकी जगह पर बैठ गया मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर हट गया, ठीक है, कॉपर हट गया और मैग्नीशियम आ गया, कॉपर को हटा दिया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गया, और भी ले सकते हैं। ठीक है, और भी ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस है, इसका रिएक्शन हम आयरन से करवा देंगे। आयरन का कलर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है ये, और ये तो ब्लू होता है, जान ही रहे हो। तो अब बन जाएगा क्या, आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को भगा देगा, धक्का देके भगा देगा, उसके जगह पर अपने आ जाएगा, तो बन गया FeSO4। ये भी पानी में घुलता है, ये क्यों लिखेंगे, और कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा, कॉपर को भगा दिया उसको अपने जगह से, उसके जगह पर आयरन आ गया। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ब्लू कलर था। अब ये जो फेरस सल्फेट बन गया, ये हो गया लाइट ग्रीन। फेरस सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपने जगह से, उसके जगह पे वो चला गया, है ना। आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द कॉपर, दैट्स व्हाई आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, समझ जाना है। उसके बाद जो है हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लोग इसको जरा हटा देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कॉपर क्लोराइड का, CuCl2। ठीक है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड है, इसका नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड इसका नाम है। और ये जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है कॉपर क्लोराइड का, ग्रीन होता है, जब पानी में डालेंगे तो ग्रीन कलर का आएगा। ठीक है, और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे, इससे जो ज्यादा रिएक्टिव कोई है उससे करा देते हैं, जैसे लीड है, जैसे लीड का रिएक्शन हम करवाएंगे, ये सॉलिड है। ठीक है, ये होता है ब्लू, इस ग्रीन ग्रे, ब्लू इस ग्रे। ठीक है, ये पानी में घुल गया, ये सॉलिड है, अब ये रिएक्शन होगा, लीड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो लीड क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, लीड क्लोराइड PbCl2। ये भी पानी में घुलेगा, इसलिए ये क्यूब के बगल में लिख देते हैं, और ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ग्रीन से कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन, और ये जो है ब्लू इज ग्रे है अभी। अब इसमें कॉपर आ गया, ये क्या है, रेडिश ब्राउन हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए लीड क्या किया, कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटा दिया। लीड क्या किया, कॉपर को हटा करके उसके जगह पर खुद अपने सफाया। ठीक है, आई बात समझ में, तो क्या हो गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव
element copper. So lead is more reactive and copper is less reactive comparatively. That's why lead replaces the copper from its salt copper chloride. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेके करके लेते जाएंगे, समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, अब जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम रख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3O2, ये पानी में घुल जाता है. ठीक है, AgNO3O2 नहीं होगा क्योंकि AgNO3 होता ना, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है. AgNO3 जो कि एक्वस है यानी पानी में घुल जाता है और इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर से करेंगे. ठीक है, अब कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है. कॉपर क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है. कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर को अपने जगह से हटा देगा. जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है अपने से कम रिएक्टिव को भगा देता है. तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को भगा देगा और उसके जगह पर अपने ही आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया कॉपर नाइट्रेट CuNO3. ठीक है, ठीक है, और कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, CuNO3O2 हो गया प्लस सिल्वर बाहर आ गया. सिल्वर का तो जानते ही हो, सिल्वर ही व्हाइट अपना इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, जिसके नाम से सिल्वर ही व्हाइट आता ही है, एक स्पेशल कलर है. ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है ये तो पानी में घुलेगा और ये ब्लू कलर का होता है. याद कॉपर सल्फेट भी ब्लू होता है और कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू होता है. इसलिए याद रखना है, ब्लू देख करके सिर्फ कॉपर सल्फेट ही बोले ऐसा नहीं है. कॉपर सल्फेट भी ब्लू होगा, कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू होगा. ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट जो होता है कलरलेस होता है. ठीक है, कलरलेस मतलब वाटर कलर, ये रेडिश ब्राउन होता है. अब यहां पर देख लो कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो कॉपर क्या किया, सिल्वर को हटा दिया, है ना. तो ये कॉपर क्लोराइड है, ये इसका नाम लिखना भूल गए थे, इसका नाम होगा लीड क्लोराइड. ठीक है, ये क्या है, लीड है ना, पीवी को लीड बोलते हैं. ये लीड क्लोराइड हो गया और ये क्या हो गया, कॉपर नाइट्रेट. ये क्या हो गया, कॉपर नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं. ये हो गया सिल्वर. ठीक है, सिल्वर का कलर क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट बोलते हैं इसको. ठीक है ना, या ग्रेइश व्हाइट बोलो, जो बोलो, ग्रे व्हाइट, इसको सिल्वरी व्हाइट बोला जाता है, इसका कलर मालूम है. और ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट. सबका वैलेंसी मालूम रहेगा तो कंपाउंड को हम लिखना हमारे लिए आसान है. ठीक है, तो इसमें हम समझ गए कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से रिप्लेस करके निकाल दिया बाहर और उसके जगह पर अपने ही आ गया. ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कॉपर आ गया, हाँ सिल्वर के जगह पर कॉपर आ गया कि नहीं. ठीक है, इसको जरा बैलेंस भी कर लेते हैं. सिल्वर सिल्वर एक ही है लेकिन NO3 इधर एक है, इधर NO3O2 है, 2 NO3 हो गया. यहाँ 2 लगा देंगे तब NO3 2 हो गया. ठीक है, तो NO3 तो बैलेंस हो गया लेकिन इस चक्कर में सिल्वर डबल हो गया ना, सिल्वर 2 हो गया, तो हमको सिल्वर को डबल इधर भी करना पड़ेगा, 2Ag कर दिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, सो बहुत सारा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी 2 पॉलीज आगे फिर और लेंगे एग्जाम्पल. ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर हम और लेते हैं, जैसे आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा लेते हैं.
यहाँ पर आयरन है जो सॉलिड है, मेटल हो गया, और इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पानी में घुल गया इसलिए एक्वस हो गया। अब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है। इस दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, फेरस क्लोराइड बनेगा Fe Cl2। यहाँ पर आयरन का वैलेंसी दो है इसलिए इसका नाम होगा फेरस, ठीक है, फेरस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड भी होता है, जैसे FeCl3 लिखेंगे तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड, ये हो गया हमारा फेरिक क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आयरन का वैलेंसी तीन है, आयरन का वैलेंसी यहाँ पर तीन है, क्रिस क्रॉस देख रहे हो ना, इसका वैलेंसी यहाँ, इसका वैलेंसी यहाँ, तो आयरन का वैलेंसी थ्री रहेगा तो उसको हम फेरिक बोलेंगे, आयरन का वैलेंसी टू रहेगा तो हम उसको फेरस बोलेंगे। तो फेरस क्लोराइड भी होता है, फेरिक क्लोराइड भी होता है, दोनों होता है। तो फेरस क्लोराइड बन गया है यहाँ पर, ठीक है, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये गैस हो गया, ये पानी में घुल गया तो एक्वस है, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड बन गया है, ठीक है। ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हुआ हाइड्रो क्लोरिक एसिड, और ये हुआ आयरन, ठीक है। आयरन का कलर ग्रे होता है, जानते ही हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस होता है, फेरस क्लोराइड भी कलरलेस होता है, हाइड्रोजन भी कलरलेस होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या किया है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए आयरन क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, आयरन क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन को आयरन ने बाहर कर दिया और उसके जगह पर खुद अपने आ गया, हाइड्रोजन के जगह पर आयरन आ गया। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन से आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए आयरन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बाहर कर दिया, तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया हाइड्रोजन गैस के रूप में, ठीक है ना, कि आयरन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये भी हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका कंपाउंड है उसको रिप्लेस कर दिया, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं, आयरन तो दोनों तरफ सेम है, क्लोरीन इधर दो है और इधर एक ही है, तो इसको दो बना दिए, दो गुना करके तो हाइड्रोजन भी दो हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन स्वभाव से दो है इसलिए बैलेंस हो गया, दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ क्लोरीन भी सेम हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद दूसरा मेटल लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम, ये भी एक मेटल है जिसका भी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये भी बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा MgCl2, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस है, तो मैग्नीशियम का कलर पहले ही बता चुके हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कलरलेस ही होता है, तो इसमें कलर का कुछ नहीं, सब कलरलेस ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन को मैग्नीशियम रिप्लेस करके भगा दिया और अपने उसके जगह पे आ गया, हाइड्रोजन के जगह पर मैग्नीशियम आ गया और हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। ये भी हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट विच रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सब जगह एक ही कहानी चल रहा है, ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ भी वही है, उसी तरह बैलेंस होगा, दो क्लोरीन है तो यहाँ पर दो गुना कर दिए, दो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन भी दो हो गया, यहाँ भी स्वभाव से हाइड्रोजन दो है इसलिए बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब लेते हैं जैसे सोडियम है, इसका रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं, वाटर तो लिक्विड है और ये सॉलिड है, इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो बनता है NaOH, ठीक है, ये एक्वस है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है, ये रिएक्शन है।
अब यहां पर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, वाटर जो होता है ना H2O इस तरह से होता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। H2O हम लिखते हैं वाटर को, लेकिन एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है इस तरीके से H2O, ठीक है ना। तो ये जो सोडियम क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये सोडियम क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इसके जगह पर सोडियम आ गया, NaOH H2O को हम HOH लिखते हैं, क्योंकि इसी तरह से वाटर एग्जिस्ट करता है HOH के रूप में। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए सोडियम क्या किया, हाइड्रोजन को उसके अपने पोजीशन से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो ये H हट गया, ये H हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया और इसके जगह पर सोडियम आ गया, NaOH हो गया। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस हुआ, ठीक है। और ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम। तो इस तरीके से यहां भी देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम रिप्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड फॉर्म्स अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, H के जगह पर सोडियम आ गया, ठीक है। यहां भी रिप्लेसमेंट हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लोरीन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से, क्लोरीन दो गैस है और पोटेशियम आयोडाइड जो पानी में घुलेगा तो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएंगे, तो जब इस दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये पोटेशियम क्लोराइड KCl बनाएगा, ये भी पानी में घुल जाएगा, इसलिए Q लिखेंगे, ठीक है, और आयोडीन को बाहर कर देगा, ठीक है। आयोडीन तो सॉलिड होता है, ठीक है, आयोडीन तो सॉलिड है जो बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आयोडीन, ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, ये हुआ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड हुआ, और ये हुआ क्लोरीन। तो इसका मतलब क्लोरीन जो है आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन जो है आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है। इससे पता चल गया कि क्लोरीन जो है आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, इसीलिए पोटेशियम आयोडाइड से क्लोरीन जो है रिप्लेस कर दिया है ना। आयोडीन हट गया यहाँ से, उसके जगह पर क्लोरीन आ गया, आयोडीन था यहाँ पर उसको हटा दिया, उसके जगह पर क्लोरीन खुद आ गया और आयोडीन को निकाल के बाहर, ये भी हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्लोरीन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट आयोडीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में, ये भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे CuO हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का जो वैलेंसी है वो 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 है, किसका भी 2 हुआ ना, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड है। और जैसे Cu2O लिखेंगे है ना, Cu2O, तब यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 1 हो जाता है, तो इसको लिखते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 1 है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 2 है, याद रखना है। तो जहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 2 होता है उसको क्यूप्रिक लिखते हैं, जहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 1 है उसको क्यूप्रस लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन जो है मैग्नीशियम से कराएंगे, यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड भी सॉलिड है और मैग्नीशियम भी सॉलिड है, ठीक है। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, इसको कॉपर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिएक्शन है जब दोनों में होगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा, ये भी सॉलिड ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। वो मैग्नीशियम क्या हो गया, कॉपर को हटा दिया, इसलिए इसका मतलब मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम जो है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को हटा करके उसके जगह पर खुद अपने चला गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया मेटल के रूप में, ठीक है। आई बात समझ में। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, ठीक है, इसका रिएक्शन हम एल्यूमिनियम से करेंगे, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन को हटा देगा, ठीक है, और बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन को बाहर कर देगा, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम चूंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए आयरन ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को हटा दिया और बनाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बाहर निकल गया, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हमेशा हटा देता है। अब इसको जरा बैलेंस कर लें, दो आयरन है इधर, उधर एक ही आयरन है, इधर तीन ऑक्सीजन है, इधर भी तीन ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम दो है, तो दो एल्यूमिनियम दे दिए, बैलेंस हो गया। यहाँ पर दो आयरन है तो इधर दो आयरन कर देते हैं, बैलेंस हो गया। अब जो है हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया और इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया होगा। इसमें बस यही देखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये याद रखना है। जो ताकतवर है उसको अपन, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को उसके घर से बाहर कर देता है, वही हालत है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वही है। जो ताकतवर एलिमेंट है अपने से कमज़ोर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है ना, जैसे आदमी लोगों में होता है, जो ताकतवर होता है अपने से कमज़ोर आदमी को उसके घर से बाहर कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए। अब आगे हम लोग दूसरे दिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, फॉर नेक्स्ट।